ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बाल विज्ञान सम्मेलन की तैयारियों को लेकर हमीरपुर के बाल स्कूल परिसर में 3 दिवसीय अध्यापकों के लिए प्रशिक्षण का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें जिला भर के स्कूलों के अध्यापक हिस्सा लेकर बाल विज्ञान मेलों में बढ़िया से काम करने के लिए प्रशिक्षण दिया जा रहा है। साथ ही स्कूल अध्यापकों को बाल विज्ञान मेलों में बच्चों के अंदर छिपी हुई प्रतिभा को निखारने के लिए भी टिप्स दिए जा रहे हैं। बाल विज्ञान सम्मेलन की तैयारियों को लेकर हमीरपुर के बाल स्कूल परिसर में 3 दिवसीय अध्यापकों के लिए प्रशिक्षण का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें जिला भर के स्कूलों के अध्यापक हिस्सा लेकर बाल विज्ञान मेलों में बढ़िया से काम करने के लिए प्रशिक्षण दिया जा रहा है। साथ ही स्कूल अध्यापकों को बाल विज्ञान मेलों में बच्चों के अंदर छिपी हुई प्रतिभा को निखारने के लिए भी टिप्स दिए जा रहे हैं। प्रशिक्षण के दौरान जिला विज्ञान पर्यवेक्षक अश्विनी चंब्याल ने अध्यापकों को बाल विज्ञान सम्मेलन के बारे में जानकारी दी। जिला विज्ञान पर्यवेक्षक अश्विनी चंब्याल ने कहा कि बाल विज्ञान सम्मेलन के लिए अध्यापकों को प्रशिक्षित किया जा रहा है और ऑनलाइन पोर्टल के साथ जुड़ने के लिए भी सिखाया जा रहा है। उन्होंने बताया कि इस साल होने वाले बाल विज्ञान सम्मेलन में ज्यादा से ज्यादा बच्चे भाग लें, इसके लिए भी विशेष बल दिया जा रहा है ताकि बच्चों की रुचि विज्ञान की ओर ज्यादा हो। ये आज हमारा इस वर्कशॉप का दूसरा दिन है। आज लगभग हमीरपुर जिला के बड़सर सब डिवीज़न और भोरेन सब डिवीज़न के 110 स्कूल जो हैं वो भाग ले रहे हैं। ये जो एक किस्म की हमने जो कार्यशाला का आयोजन कर रहे हैं, ये चिल्ड्रन साइंस कांग्रेस बाल विज्ञान सम्मेलन 2019 की तैयारियाँ और जो ऑनलाइन जो रजिस्ट्रेशन है वेब पोर्टल पर उसके संदर्भ में कर रहे हैं। हम इन स्कूलों को जो वेब पोर्टल बना है हमारा, इसी समय एट द स्पॉट उनको रजिस्टर कर रहे हैं, उनको यूज़र आईडी और पासवर्ड दे रहे हैं। बाकी जो हमारा जो इस साल का जो थीम है प्रोजेक्ट कोर्स का, उसको डिस्कस कर रहे हैं कि प्रोजेक्ट कैसे बनाएंगे। जैसे हमारा जो फोकल थीम है वो है साइंस टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन फॉर क्लीन ग्रीन एंड हेल्दी नेशन, यानी हरित, जो हरित का अर्थ होता है हरा भरा, और अर्थ स्वच्छ और स्वस्थ राष्ट्र के लिए जो विज्ञान प्रौद्योगिकी और इनोवेशन जिसको हम कहते हैं, उस संदर्भ में जो बच्चे हैं वो अपने अपने प्रोजेक्ट जो हैं स्कूल लेवल पर तैयार करेंगे। जो सबसे सक्रिय और जो एक आज के युग की जो प्रॉब्लम है वो है कचरा प्रबंधन, कि आज लाखों टन जो कचरा है वो हर गांव में, हर शहर में और पूरे भारतवर्ष में मिल सकता है। एक ही दिन में लाखों टन जो है इसका जो कचरा हमारे पास उपलब्ध हो रहा है, कचरा बन रहा है गांव में, तो उस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए उसके ऊपर प्रोजेक्ट रिपोर्ट अगर हम तैयार करवाते हैं स्कूल लेवल पर, गांव लेवल पर, कि स्कूल में आपके कचरे के प्रबंधन का कौन सा उपयोग आप कर रहे हैं, अपने गाँव में कचरे का प्रबंधन क्या जो पुराने ढंग उससे हो रहा है या नई तकनीक से हो रहा है, या इसका कोई और अल्टरनेटिव जिसको हम वैज्ञानिक ढंग कह सकते हैं, जो साइंटिफिक इंजीनियरिंग है, उसके माध्यम से अगर हम करते हैं तो निश्चित रूप से जब इतने प्रोजेक्ट बनेंगे तो ये जो कचरे की जो एक प्रॉब्लम आ चुकी है निष्पादन करने की, उस समस्या से हम उजागर करके उस समस्या का हम जो निदान कर सकते हैं। तो स्कूल लेवल पर जो फर्स्ट प्रायोरिटी दी गई है प्रोजेक्ट्स को बनाने के लिए, वो तो पूरा कचरे का प्रबंधन और इसका निष्पादन, और दूसरा जो आज सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम आ रही है और जो आने वाली प्रॉब्लम है वो है कि हमारा जो विद्युत है, हमारी जो इलेक्ट्रिसिटी है, इसकी जो इसको जो हमने जनरेट करना है किस ढंग से करें, क्या हमारी जो सोलर एनर्जी का जो सोर्स है जिसको हम सोलर कहते हैं या सूर्य कहते हैं, क्या वो ठीक है कि नहीं है।